तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्वर्जन मेथड, जब भी किसी क्वेश्चन में ये मेंशन करें कि आप इस मैट्रिक्स को इन्वर्जन मेथड से कर ले तो इसका तरीका क्या होगा, तो आप उसका तरीका सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन को ना सीखिए, तरीके को सीखिए, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो है इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म का तरीका क्या है, देखिए आपने सबसे पहले ये कोफिशिएंट लिखने होंगे, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 4, चलिए जी, वाई का जो कोफिशिएंट है वो है -3, जेड का जो कोफिशिएंट है वो है 1। इस तरह इस दूसरी वाले का भी आपने क्या करना होगा, इसी तरह ये कोफिशिएंट लिखने होंगे, 2 1 -4, 1 2 -2, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, एक्स और वाई, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा जी, इज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 11 -1 और 0 1, तो ये है हमारे पास, देखिए। अच्छा, इन मैट्रिक्स फॉर्म की बात आपने इस तरह करना होगा कि आपने सपोज करना होगा कि लेट आप इसको इस तरह कर ले, ए नाम दे दे, ठीक है, और इसको एक्स नाम दे दे, चलिए जी, और इक्वल टू बी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, AX इक्वल टू बी। अच्छा, आप इस तरह कर ले कि आप ए को इस तरह कर लो, एक्स को अकेला कर दो, तो इस तरह हो जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे, चलिए जी। अब देखिए, हमने अब सबसे पहले बी तो हमारे पास, बी मैट्रिक्स तो हमारे पास है, लेकिन बात है हमारे पास ए इनवर्स के, तो इससे पहले के क्वेश्चनों में भी मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स को किस तरह फाइंड करते हैं। नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना होगा, सो वी नाउ डेट कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब ए डिटरमिनेंट का तरीका तो आसान है, लेकिन बात है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह फाइंड करते हैं। चलिए आप इस तरह कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है। नाउ अब टू फाइंड ए डिटरमिनेंट, चलिए जी सबसे पहले ए डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं। तो ए डिटरमिनेंट का तरीका मैंने आपको बताया था, ये मैट्रिक्स ए है, चलिए जी क्या है, तो ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 -3 1 2 1 -4 1 2 -2, चलिए ये हमारे पास वो मैट्रिक्स ए है। अब इसका डिटरमिनेंट का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए मैं इसको चलिए कर लेता हूँ एक्सपेंड, चलिए मैंने पहले रो से इसको एक्सपेंड किया, तो मैंने आपको इसकी रो को एक्सपेंड का तरीका बताया था कि पहला एलिमेंट लेंगे और वो टेबल भी बताया था पेज नंबर 44 पर, इसका जो टेबल है कि वो जो प्लस माइनस और प्लस का जो टेबल है, ठीक है। तो रो तो फर्स्ट रो में हमारे पास ये साइन है, ठीक है, पहला वाला प्लस होगा फिर दूसरा माइनस होगा फिर प्लस होगा, ठीक है, तो प्लस लगाएंगे और इसका पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है जी, डिटरमिनेंट, फिर इस तरह ये लगाएंगे लेकिन इसके साथ माइनस लगाएंगे, लेकिन एक माइनस तो ये है और एक इसके साथ अपना है, तो ये माइनस को माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये लगाएंगे और प्लस का निशान, ठीक है। अब इसका तरीका क्या था, इसको किस तरह फिल करेंगे, देखिए हमने कहा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 -4, चलिए 2 -2, फर्स्ट रो और सेकंड को ना लिखो 2 1 -4 और -2, फर्स्ट और थर्ड को ना लिखो तो 2 1 1 2, तो ये हमारे पास का तरीका है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आप इस तरह करें, इसको मल्टीप्लाई कर ले और तो इसका आंसर हमारे पास, ए डिटरमिनेंट आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर ले आप कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पर, चले जी 2 1 2 -2, अच्छा
फोर टू आर एट, लेकिन एक माइनस वो है तो माइनस टू माइनस थ्री प्लस हो जाएगा, एक ये है। और एक डिटरमिनेंट में हमेशा माइनस का साइन होता है, लेकिन जबकि मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट है इसलिए हम एक माइनस लगाएंगे तो एक माइनस और माइनस थ्री प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसी तरह प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फोर, फिर इसी तरह प्लस वन और टू टू फोर माइनस वन, ठीक है। इससे हमारे पास आएगा, देखिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, चलिए जी मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब देखिएगा इसको मैं इधर, चलिए एक मिनट में इस तरह कर लेता। तो देखिएगा अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ पर इसको जब हम करेंगे तो देखिए इससे हमारे आता है फोर सिक्स, ठीक है, प्लस थ्री और ये हमारे पास जीरो हो जाता है, ठीक है, और प्लस वन और ये हमारे पास नीचे वाली जो मैंने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास 24 प्लस जीरो प्लस थ्री, ठीक है, इससे हमारे पास आता है 27। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट है, वो क्या आया 27। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दें, आप इस तरह कर ले, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे दें, टू मैंने दिया है तो इसको इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। अब इसके बाद देखें आपको थोड़ा नजर आ जाए, चलिए जी। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करना होगा। अच्छा, इस देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो वो सबसे पहले मैं वो मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो जी एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स क्या था कि फोर माइनस थ्री वन, फोर माइनस थ्री वन, ठीक है, टू वन माइनस फोर, टू वन माइनस फोर, ठीक है, वन टू माइनस टू, अच्छा वन टू माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास पॉइंट मैट्रिक्स जो जिसका हमने एडजॉइंट मालूम करना होगा। तो देखिए एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह के केस में एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए कि मैंने कहा था कि ए वन वन, ठीक है, इसको फाइंड करना होगा, ए वन टू को, ए टू वन को, और इसी तरह ए सॉरी ए वन टू ए वन थ्री, ठीक है, ए वन थ्री, ठीक है, अच्छा ए टू वन, चले जी ए टू टू, और इस तरह ए टू थ्री, अच्छा फिर इस तरह ए थ्री वन और ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है, इस तरह फाइन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि एडजॉइंट को फाइन करने का तरीका, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन दिया था और कह रहा था कि इसका आप एडजॉइंट मालूम करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में एडजॉइंट मैंने बताया था कि आपने क्या करना होगा, इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इसकी साइन चेंज करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे केस कुछ और किस्म का है। देखिए इस तरह के केस में हमने किस तरह एडजॉइंट मालूम करना है, मैंने आपको बताया कि ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, टू थ्री, और इस तरह ए थ्री वन, ए थ्री टू और थ्री थ्री, इस तरह हमने इसका एडजॉइंट मालूम करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका फाइंड करेंगे ए वन वन, ठीक है। तो इसके बाद हम ए वन टू, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, कुछ का फाइंड कर लेता हूँ, ए वन वन इज इक्वल टू, चले जी। तो ये हमारे पास ए वन वन क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ना लिखो और को लिख लो, ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे। अच्छा, एक बात ये कि आप इसमें जो साइन है वो किस तरह लगाएंगे, देखिए आप कंसेक्यूटिव लगाएंगे, मतलब पहले के साथ प्लस तो दूसरे के साथ माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, मतलब ए वन वन के साथ क्या होगा, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह कंसेक्यूटिव अपने साइन लगाने होंगे। अच्छा जी, इस तरह वन माइनस फोर, ठीक है, और फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ना लिखो, ठीक है, टू माइनस टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए माइनस टू और फोर, फोर टू सर एट, टू माइनस, टू माइनस प्लस एट, तो इससे क्या आता है
सिक्स होता है, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास ए वन वन आ गया। अच्छा ए वन वन की वैल्यू ये जो सिक्स आई है हमने कहाँ लिखनी है, ये हमने इस फोर की जगह लिखनी है, ठीक है। इस तरह ए वन टू, तो ये हमारे पास है, इसके साथ माइनस का निशान लगाया कि मैंने कहा कि कंजर्वेटिव निशान लगाएंगे, ठीक है। और क्या है वन टू का मतलब है कि फर्स्ट रो को ना लिखो और सेकेंड कॉलम को ना लिखो, मतलब फर्स्ट रो को नहीं लिखते और सेकेंड, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को नहीं लिखते। तो टू वन माइनस फोर माइनस टू, तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। ऐसे क्या आता है, देखिए माइनस तो अपनी जगह पर है, ठीक है, और अंदर क्या आता है माइनस फोर और प्लस फोर। जब आप देखे ना यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस जीरो हो जाएगा और जीरो मल्टीप्लाई बाई माइनस टू हमारे साथ ये हमारे पास जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ए वन टू तो हो गया, अब ए वन थ्री की बारी है, ठीक है। ए वन थ्री की, तो मैंने बताया था कि पहले के साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस कंजर्वेटिव साइन लगाएंगे, तो अब हमारे पास बारी है प्लस की। अच्छा ए वन थ्री का मतलब है कि फर्स्ट रो को ना लिखो और थर्ड कॉलम को ना लिखो, तो हमारे पास टू वन वन टू ये रह गया। अच्छा अब टू टू जार फोर, फोर माइनस वन, तो ये हमारे पास थ्री रह गया। अच्छा जी अब इसी तरह बारी है ए टू वन की, तो ए टू वन की मैंने बताया। अब देखिए ए टू वन का मतलब है क्या है, ए टू वन का मतलब है कि सेकेंड रो, अब टू मतलब सेकेंड, टू ये पहला वाला हमेशा रो होता है दूसरा कॉलम होता है, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि सेकेंड रो को ना लिखो और फर्स्ट कॉलम को ना लिखो, मतलब सेकेंड रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको नहीं लिखते, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा प्लस तो निशान माइनस का होगा क्योंकि कंजर्वेटिव की बात की थी कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह निशान लगाएंगे। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है कि सेकेंड रो को ना लिखो, सेकेंड रो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टू माइनस टू वन और माइनस फोर हमारे पास सेकेंड रो है। अच्छा सेकेंड रो को नहीं लिखते और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखते, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री वन और टू माइनस टू, ठीक है। और जब अब इसको सॉल्व करते हैं थ्री टू जार सिक्स, लेकिन एक माइनस टू ये वाला है, ठीक है, और ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री टू जार ये प्लस सिक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा टू वन जार टू टू माइनस टू, तो इससे हमारे पास आता है माइनस फोर, ठीक है। अच्छा सिक्स माइनस टू तो फोर, और माइनस का निशान ये वाला है, और लाइट पीछे ले गई। अच्छा एक मिनट, अच्छा जी तो यहाँ पे मैंने ये जो वैल्यू थी जो मैंने मुझसे मैंने ये वैल्यू तो फाइंड कर दी, लेकिन ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट ले ली, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ए टू थ्री की वैल्यू हमारे पास ये आई, ए थ्री वन की वैल्यू हमारे पास ये आई, इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब एक बात मैंने आपको बताया था कि हम कंजर्वेटिव साइन लगाएंगे, तो इसमें मैंने कंजर्वेटिव साइन लगाई, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे ना, तो हमारे पास ये उसका एडजॉइंट हो जाता है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ मैं, ठीक है। अच्छा जी मैं इसको आपको बता देता हूँ। चलिए अब ये वैल्यू नहीं है, ये सिक्स आप फोर की जगह पुट करें, मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। चलिए जी इस तरह है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए फोर की जगह आप क्या फुट करें, सिक्स फुट करें, चलिए फुट कर दिया। अब माइनस थ्री की जगह आप जीरो फुट करें, चलिए फुट कर दिया। अब देखिए वन की जगह हमारे पास थ्री है, तो फुट कर दिया। अच्छा जी अब देखिए ए वन थ्री, अच्छा अब टू वन की बारी है, तो टू की जगह आप क्या फुट करें, माइनस फोर फुट करें, ठीक है। अच्छा इस तरह वन की जगह आपने क्या फुट करना होगा, माइनस नाइन फुट करना होगा, ठीक है। अच्छा अब माइनस फोर की जगह आपने क्या फुट करना होगा, माइनस फोर की जगह आपने माइनस इलेवन को फुट करना होगा, चले जी। अब वन की जगह आपने प्लस इलेवन को फुट करना होगा, चले। अब टू की जगह आपने एटीन को फुट करना होगा, फुट कर दिया। और माइनस टू की जगह आपने टेन को फुट करना होगा, तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट हो गया। चले जी अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास इसका एडजॉइंट, इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर देता हूँ। चले ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, ठीक है, आपको बताता चलूँ कि देखिए। अच्छा जी तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एडजॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडजॉइंट नहीं है, बल्कि हमने ये पढ़ा था कि एडजॉइंट का जो तरीका था वो क्या था कि आप इस तरह कर लें कि आप क्या करें, आप इस तरह कर लें कि आप एडजॉइंट को मालूम करने का, वो हमने ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री अच्छा ए थ्री वन ए थ्री टू अच्छा ए थ्री थ्री, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, तो ये हमारे पास पेयर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ
कि आप इस तरह कर ले कि आप इसका ट्रांसफॉर्म ले तो ये इसका एडजॉइंट बन जाएगा। किस तरह देंगे, मैं इसको इधर लिखता हूँ, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा इसका ट्रांसफॉर्म ले, ठीक है, मतलब 603 चले जी, -4 -9 -11, ठीक है। रो को किस चीज में चेंज किया, कॉलम में 11 18 और 10, तो ये हमारे पास उसका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब देखिए जब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे इनवर्स हमारे पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इनवर्स फाइंड करते हैं, चलिए नाउ पुट एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है, 2 में पुट करते हैं। तो 2 अप्लाई है, चलिए जी ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट, 1 तो ऑलरेडी है लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 27 है, तो क्या कर देंगे 27, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हमने फाइंड किया है वो वही है, 6 -4 11 0 -9 18, अच्छा जी 3 -11 और 10, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका एडजॉइंट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर फुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए अब इस तरह कर देखिए, पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन इम्प्लाइज डेट, ठीक है, ये हमारे पास है कि x इज इक्वल टू, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको बाद में मिटाऊंगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारा वो फर्स्ट इक्वेशन है जो कि मैं अब यहाँ से मिटा रहा हूँ और मैंने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन है नीचे। अच्छा जी तो देखिए ये हमारा वो फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको देखिए ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है 1 ओवर 27, ठीक है, और ब्रैकेट, ठीक है, 6 -4 11 0 -9 18, अच्छा जी 3 -11 और 10, ठीक है। लेकिन बी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो क्वेश्चन में मेंशन था जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो ठीक है तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, 11 -1, अच्छा 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को इसके साथ करेंगे, मतलब इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह, मतलब क्या है कि इस ये जो इस तरह है ना, इसको आप सीधा करना होगा। देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना होगा 11 के साथ, -4 को आपने 1 के साथ और 11 को फिर 1 के साथ, फिर 0 को 11 के साथ, -9 को 1 के साथ और 3 को, फिर 3 को 11 के साथ, -11 को, -1 के साथ और 10 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर 27, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए इसको जब आप करेंगे, जब 6 को आप किसके साथ, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, -4 को -1 के साथ तो +1 आता है, +4 आता है सॉरी, ठीक है। अच्छा जी और जिससे हमारे पास 11 आता है, +11, ठीक है। अच्छा जी नीचे हमारे पास क्या आता है, 0 को जब 11 से करते हैं तो 0 आता है, जब -9 को हम 11 से -9 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो इससे +1 आता है, 0 को इसके साथ, -9 को इसके साथ, अब 18 को 1 के साथ तो इससे 18 ही आता है। अच्छा अब क्या करेंगे, 3 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से 33 आता है, जब -11 को हम -11 को हम -1 के साथ करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्या है कि जब 10 को हम 1 के साथ करेंगे तो इससे 10 ही आता है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, अब इसके तरीका क्या है, देखिए आप इसको प्लस कर लें, इसको प्लस कर लें, इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है, दरमियान में एडिशन की निशान है, ठीक है। अच्छा ये तो ऑलरेडी है, अब देखिए आप इस तरह कर लें, इसको मिटा देता हूँ, चले देखिए अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1/27, अच्छा जी जब आप इस तीनों को प्लस कर तो इसे हमारे पास आता है 81, ठीक है, 27 आता है, ठीक है, और तीसरे से हमारे पास आता है 54, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए आप इस तरह कर ले, इस 27 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 81/27, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या है, 27/27, ठीक है जी, और 54/27, ठीक है। अब देखिए 27 और ये हमारे पास 3 के टेबल में, ठीक है, 27 1 और 27 3 81, ठीक है, 27 और 27 तो यहाँ पर 1, ठीक है, और
मेरे ख्याल से 52। हाँ बिल्कुल। अच्छा तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, मैं अब इस तरह कर लेता हूँ, इस ऊपर वाले को बता देता हूँ। चले जी, अच्छा जी, यहाँ हमारे हमारे पास x क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 3, ठीक है, 1, ठीक है, और 2, तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा हमने क्या कहा था कि ये x दरअसल क्या है हमारे पास, ये हमने बताया था कि ये हमारे पास x, y और z है। हमेशा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है और तीसरा वाला z होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है और z की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अच्छा मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है। अच्छा जी देखिए, सॉल्यूशन सेट जो इसका है वो क्या है, 3, 1 और 2, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया। थोड़ा फोकस हो जाए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बात की गई क्वेश्चन में बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। अच्छा, गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन, ये दो क्वेश्चन है और आपने दो तरीकों से करने होंगे। तो पहला तरीका है गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड का को आप इचलान फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है। इस क्वेश्चन में हम इस तरह कुछ कैलकुलेशन और कुछ अपना नॉलेज यूज करके इस तरह का सेटअप करेंगे कि इसमें हम क्या फाइंड करें, गॉस एलिमिनेशन मेथड मतलब इचलान फॉर्म प्रोड्यूस करें, ठीक है, फिर उससे हम एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और इस तरह रिड्यूस इचलान फॉर्म भी है, उसमें हमने क्या करना होगा, उसको हम रिड्यूस इचलान फॉर्म को यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉस जॉर्डन मेथड और रिड्यूस इचलान फॉर्म, ये तकरीबन ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड मतलब इचलान फॉर्म का तरीका बदलता हूँ, किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। Here, the coefficient, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ऑफ मैट्रिक्स, आपने इसके कोफिशिएंट के मैट्रिक्स, इससे कोफिशिएंट से आपने मैट्रिक्स बनाने होंगे, किस तरह 1 - 1, 4 - 2, 2 - 1, ठीक है, 3 - 2 और 3, ठीक है। इसको मैंने, ये हमारे पास पहला, इसको मैंने चले ए नाम दिया और एन दो, ठीक है, और बी मैंने नाम दिया इसको 4, 2 और -1 को, ये मेरे पास बी हो गया। देखिए अब देखिए, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ क्या है कि ए और बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी, इसका मतलब क्या है, देखिए आप देखिए इसमें क्या करना होगा, -1, 4, 2, 2 - 1 और 3 - 2 और 3, देखिए आपने इसमें क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बता देता चलूँ, और यहाँ पर बी 4, 2 और -1, यहाँ से हमारा काम जो है शुरू होगा। देखिए आपने क्या करना होगा, इस जो डार्ट्स लाइन से इस साइड है, इसमें आपने क्या करना होगा, इसको आपने इचलान फॉर्म करना होगा, इचलान फॉर्म इसे आप बनाना होगा, मतलब क्या है कि डायगनल के नीचे क्या हो, 0 हो। तो देखिए मैं आप यहाँ से आपको बताता चलूँ कि इसको और इसमें जो चेंज करेंगे, मतलब इस रो में या इस रो में जो चेंज करेंगे वो यहाँ भी करेंगे। इस तरह कर ले आप कि रूट टू से आप माइनस कर दें, मेरी पहली नज़र इसको होगी इस पर होगी, इसको किस तरह जीरो कर दें, ठीक है, तो आप रो टू से माइनस कर दें 2, लेकिन रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस पर मेरी नज़र होगी कि आप रो 3 से माइनस कर दें 3, लेकिन रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। रो 1 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से 2, 1 = 2, और जब इससे माइनस करते हो तो ये दोनों हमारे पास 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ए बी इज इक्वल टू, अच्छा जी इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, अच्छा जी ये 4 अपनी जगह पर और इसके नीचे देखिए, अब देखिए अब 2 - 2 तो ये हमारे पास 0, 2 - 1 = 2 और 2 से जब 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 0। अच्छा 2 अपनी जगह पर 2 मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, 2 - 1 = 2, लेकिन एक ये माइनस है और ये एक माइनस है, तो -2 - प्लस और 2 + 2 हमारे पास 4 बन जाता है, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये हमारे पास क्या हो जाता है, -9, ठीक है, -6, 0, 1, -9 और -15। चले ठीक है, अच्छा इसको आप कर ले, ठीक है। अब यहाँ से
इससे मैंने क्या किया, रो थ्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप रो थ्री से, मैंने कहा कि रो थ्री से आप इस रो से माइनस कर दें थ्री, लेकिन थ्री को सबसे पहले रो वन के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए थ्री अपनी जगह पर है, ठीक है। थ्री को सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, रो वन के साथ। तो थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री वन जार थ्री, रो वन ये है, और थ्री माइनस थ्री तो ये हमारे पास जीरो, ठीक है। माइनस टू अपनी जगह पर है, थ्री को सबसे पहले रो वन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, थ्री वन जार थ्री, लेकिन एक माइनस है और एक ये माइनस है, तो माइनस टू माइनस प्लस हो जाएंगे। अच्छा माइनस टू और प्लस थ्री से क्या आता है, हमारे पास वन आता है, प्लस वन आता है, ठीक है। अच्छा इस तरह फिर ये कि थ्री को सबसे पहले रो वन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास थ्री, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ठीक है। और माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व से हमारे पास माइनस नाइन आता है, और इस तरह ये हमारे पास फिफ्टीन आता है, ठीक है। अब देखें, अब इसको हमने जीरो करना होगा, इसको जीरो करने से हमारे हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा, ठीक है। इसको जीरो करने के लिए मैं आपको बताया चलूँ, आप इस तरह करें सबसे पहले कि आप रो थ्री ये वाले रो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इस तरह कर ले, फोर मल्टीप्लाई कर दो रो थ्री के साथ, ठीक है। फोर मल्टीप्लाई कर दो रो थ्री के साथ, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, चलिए मैंने कहा रो थ्री के साथ, ठीक है। तो देखिए अब रो थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले तो ये अपनी जगह पर होंगे फोर और ये फोर, ठीक है। अच्छा जी फिर जीरो फोर माइनस नाइन और माइनस सिक्स, ठीक है। अच्छा जीरो फोर वन ज़्यादा ये फोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास क्या है, देखिए नाइन फोर ज़ार ट्वेंटी सिक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी फोर मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन के साथ, फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन, अच्छा प्लस फोर, अच्छा माइनस सिक्सटी, माइनस सिक्सटी, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए अब इस तरह है कि हम अगर इस तरह कर ले कि अब यहाँ मैं भी यहाँ लिखता है कि आप रो थ्री से आप माइनस कर दें, इस रो की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इससे माइनस कर दें, क्या रो थ्री से आप माइनस कर दें फोर, नहीं सॉरी रो थ्री से आप माइनस कर दें रो टू, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी जीरो हो जाएगा। किस तरह, मैं इधर इसको बिठा लेता हूँ, चले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, तो जिस तरह मैंने लिखा है कि आप इस तरह करें रो थ्री से आप माइनस कर दे रो टू। तो देखिए अब सबसे पहले तो ये अपनी जगह पर होगा, ठीक है, वन माइनस वन फोर, ठीक है, और ये हमारे पास है फोर, ठीक है। अच्छा जी जीरो फोर माइनस नाइन, ठीक है, और माइनस सिक्स अपनी जगह पर, ठीक है जी। अच्छा अब इसको देखिए, आप इस मैंने कहा कि रो थ्री से आप माइनस कर दे रो टू, तो ये रो थ्री है, देखिए जीरो माइनस जीरो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा फोर माइनस फोर तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। अच्छा थर्टी सिक्स माइनस, एक ये माइनस है और ये एक ऊपर वाला है, चले थर्टी सिक्स माइनस, अच्छा ये हमारे पास, चले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, थर्टी सिक्स माइनस नाइन, सो ये हमारे पास ट्वेंटी सेवन, ठीक है, लेकिन प्लस, अच्छा प्लस जी माइनस, ये माइनस थर्टी सिक्स, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस थर्टी सिक्स है, इसको आप यहाँ पे कर लें, ठीक है ना। क्या है कि आप मल्टीप्लाई कर दो फोर मल्टीप्लाई कर दो रो थ्री के साथ, सो नाइन थ्री जार थर्टी सिक्स और माइनस का साइन होगा, ठीक है। अच्छा अब इसको देखिए, मैंने कहा कि रो थ्री से आप रो टू माइनस कर दो, ठीक है, तो माइनस थर्टी सिक्स से आप माइनस कर दें क्या, माइनस नाइन, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन माइनस थर्टी सिक्स और प्लस नाइन से हमारे पास माइनस ट्वेंटी सेवन आता है, ट्वेंटी सेवन आता है। और इसी तरह माइनस सिक्सटी सी और माइनस फोर से हमारे पास माइनस फिफ्टी फोर आता है, ठीक है, माइनस सिक्सटी और माइनस, माइनस सिक्सटी और माइनस, देखिए ये आप देख सकते हैं माइनस सिक्सटी, एक माइनस ये है और एक ये है, तो ये माइनस टू माइनस ये प्लस हो जाएंगे, मतलब क्या है कि माइनस सिक्सटी और प्लस सिक्स से हमारे पास माइनस फिफ्टी फोर आता है, ठीक है, माइनस फिफ्टी फोर, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इचलान फॉर्म तो बन गया, अब आसान। अब देखिए अगर मैं इस तरह कर लूँ कि इसको मैं ले लूँ सबसे पहले फ्रॉम, चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फ्रॉम, अब इसके बाद हमने और कैलकुलेशन नहीं की, कहा गया है कि इचलान गॉस एलिमिनेशन मेथड, मतलब इचलान फॉर्म जो है, तो हमारे पास इचलान फॉर्म बन गया, नहीं तो अच्छा बन गया, ठीक है। अच्छा फ्रॉम रो थ्री, अच्छा अब रो थ्री की बात करते हैं, देखिए हमेशा पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तीसरे वाला जेड होता है, इससे पहले भी मैंने बताया था, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम ले तो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जीरो एक्स प्लस जीरो वाई, ठीक है, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस ट्वेंटी सेवन
जेड इज इक्वल टू -54, मैंने इसको ले लिया ठीक है। इस ये तो हमारे पास जीरो बन जाएगी लेकिन इसको कोई फायदा नहीं, 27 जेड इज इक्वल टू -54। इसको आप -27 पर इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी -27 पर डिवाइड कर दे, ये इसके साथ कट जाएगा ठीक है। और 27 ये 2 था तो जेड की वैल्यू एक हमारे पास आ गई 2 ठीक है। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गई, ये जेड की वैल्यू आ गई ठीक है। यहां से हमने जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा फिर फ्रॉम, अब देखें फ्रॉम रो 2, अब देखें हम ऊपर क्यों जा रहे हैं, रो 2 इसलिए ऊपर जा रहे हैं कि देखें इसमें 2 जीरो थे लेकिन एक्स और वाई खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास जेड फाइंड हो जाएगा। ऊपर जाएंगे देखिए एक एक्स खत्म हो जाएगा, वाई वाई फाइंड हो जाएगा क्योंकि जेड हमारे पास है। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम रो 2 की बात करते हैं ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 0x ठीक है प्लस 4y ठीक है, अच्छा -9 और z इज इक्वल टू -6। देखिए अब z की वैल्यू तो हमारे पास ऊपर है ना 2, तो इस तरह क्या हो जाएगा, तो ये तो 4y -9 और ये 2 मेरे ख्याल से, अच्छा जी और -6 अपनी जगह पर। अब यहां पर देखिए देखिए अब यहां पर हमारे पास है ये 4y अपनी जगह पर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -18 हो जाएगा और इज इक्वल टू -6 ठीक है। अच्छा अब देखिए इस तरह कर लेते हैं कि इस -18 को उस तरफ ले जाते हैं कि 4y इज इक्वल टू -6 प्लस 18 हो जाएगा ठीक है। अच्छा प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, निशान जो साइन है वो बड़े का लगेगा लेकिन 4y इज इक्वल टू ये प्लस 12 हो जाएगा ठीक है। इसको माइनस कर दिया लेकिन निशान इसका रहेगा ठीक है। अच्छा 4 पर डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, 4 4 के साथ कट गया। अच्छा 4 1 जार 4 4 3 जार 12 तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई क्या 3 देखिए। अच्छा अब इसके बाद देखिए अब हमारे पास एक और वैल्यू रह गई है, क्या है वो x की वैल्यू। देखिए अब हम इस तरह करेंगे, अच्छा अब यहां से हमारे पास देखिए हमारे पास दो वैल्यू तो आ गई। अच्छा अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे फ्रॉम रो नंबर फर्स्ट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रो ये वाला रो लेंगे ठीक है। अच्छा क्या है हमारे पास x 1x मतलब सिर्फ x माइनस 1y ठीक है और प्लस सॉरी यार मैं इसको ब्लैक पे कर लिया, चलो इसको इस तरह कर लेता हूँ, चलिए जी 1x ठीक है 1x ठीक है। अच्छा माइनस 1x ठीक है, अच्छा माइनस क्या है 1y ठीक है, अच्छा प्लस क्या है प्लस 4z और इज इक्वल टू 4 है ठीक है। अब देखिए x तो हमारे पास ये है, अच्छा माइनस 1 और y की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 है तो इस तरह कर लेते हैं, y की जगह 3 लिखते हैं और प्लस अपनी जगह पर 4 अपनी जगह पर और z की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 2 है तो मैं इधर 2 लिखता हूँ और इज इक्वल टू 4 ठीक है। तो यह हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 4 2 आर 8 इज इक्वल टू 4 ठीक है। अच्छा माइनस अच्छा अब देखिए इससे माइनस 3 और प्लस 8 से क्या आता है x इज इक्वल टू ये प्लस 5 हो जाएगा ठीक है और इज इक्वल टू 4 ठीक है। आप इस तरह कर ले x इज इक्वल टू 4 से आप माइनस कर दें 5 5 को इस तरह इससे शिफ्ट कर दिया ठीक है। सो 4 से आप 5 माइनस करते हो तो x इज इक्वल टू माइनस ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास यहाँ पर क्या गया, हमारे पास तीन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी। ये गॉस रेगुलेशन मेथड है। अच्छा इसके बाद का जो है उसमें है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड का मतलब है कि आपने उसमें से रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म उसको बनाना होगा ठीक है। अच्छा रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म को बनाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना होगा। अच्छा मैं इसका दूसरा पार्ट भी कर लेता हूँ, चले चलिए। तो ये हमारे पास वही क्वेश्चन है लेकिन उसका दूसरा पार्ट है जिन्होंने उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आप इसको
गॉस जॉर्डन मेथड से, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड से करें। अब मैं आपको इसका गॉस जॉर्डन मेथड का थोड़ा हिंट्स दूंगा, फिर आपने खुद सॉल्व करना होगा क्योंकि गॉस एलिमिनेशन क्वेश्चन का मैंने किया। तरीका बिल्कुल सेम है और बल्कि ये गॉस जॉर्डन मेथड उससे बहुत ही ईजी है, ठीक है, लेकिन इसमें से आपको वो प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, जिस तरह की रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म का तरीका आपको आता हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा हिंट्स दूंगा, ठीक है, हिंट्स देने से आपको मतलब ये समझ आएगा, लेकिन जिसको मैं आपको बताता चलूं कि जिसको इससे पहले एक्सरसाइज 2.4 में आपसे था कि रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म का तरीका नहीं आता, तो ये दोनों सेम है तो ये वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले वो सीखिएगा, उसके बाद आप ये कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि the coefficient of matrix, तरीका वही है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना होगा, पहले आपने इसको, मैंने इसको a नाम दिया, ठीक है, आप इसके coefficient को लिख ले, ठीक है, क्या था 1 minus 1 4 2 2 minus 1, ठीक है, 3 minus 2 और plus 3, ठीक है, और इसी तरह एंड इसको मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है, 4 2 और minus 3, ठीक है। ना हमने क्या करना होगा, इसको हमने फाइंड करना होगा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, चलिए इसका तरीका मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 3 minus 2 और 3, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, चलिए 2 2 minus 1 3 minus 2 और 3, ठीक है, और डॉट में इसके साथ हम ये वाला भी लेंगे -3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखिएगा, जिस तरह हमने इससे पहले रिड्यूस जनरल मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड का बताया था, इससे इसके जो पहला क्वेश्चन था कि आपने इसके जगह जीरो करने होंगे, लेकिन आपने अब यहाँ पर क्या करना होगा, गॉस जॉर्डन मेथड का मतलब है रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, और रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि उसका डायगनल क्या होना चाहिए। देखिए रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म जब आप फिर से मेंशन करें कि आप इसे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बनाए, तो आपने इस तरह करना होगा, देखिए मैं एग्जाम्पल रफ फॉर्म में थोड़ा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म है। देखिए अब आपने क्या करना होगा, आपने इस वाली इस जो डॉटेड लाइन है, जो ब्लैक डॉट लाइन है, मैं इसको ब्लैक डॉट लाइन से जो इस साइड है, इसमें से आपने क्या करना होगा, इसको आपने इस तरह करना होगा, इस तरह करना होगा, ठीक है। लेकिन जो चेन मैंने इस तरह बताया था कि जो चेन आप यहां पर करेंगे वो इसी पर भी करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपने इसको करना होगा, ठीक है, चले मैं इसको आपका थोड़ा हैंडल दूंगा, ठीक है, यहां पर देखिए, चलो आपने इसको इस तरह किया कि आप नीचे आए आए आए, आपने इसको इस तरह कर लिया, ठीक है, देखिए क्या कर लिया, 0 0 और 0 1 0 0 0 1, मैं थोड़ा हैंड्स दूंगा, ठीक है, ये आपने इस तरह करना होगा, इस लाइन को चलिए और इसको, चलिए इसको आपने, चलिए ये हो गया 8, फॉर एग्जांपल इसमें जो आपने चेंजेस किए इसके साथ, चलिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया। चलिए तो देखिए आपने इसको सॉल्व किया, क्या आपने इसको इस तरह बनाया और इसमें आपने कैलकुलेशन की, तो ये फॉर एग्जांपल ये नहीं आता, लेकिन चलो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये बहुत ही आसान होगा, क्योंकि देखिए अगर आप x मालूम कर दे, तो ये हमारे पास x है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लेंगे x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम रो 1, x इज इक्वल टू 8, उसकी वजह ये है कि y भी 0 है और z भी 0 है, तो 0 है तो हमारे वो हमारा काम का ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि x हमारे पास डायरेक्ट 8 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह y हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट 2 आएगा, क्योंकि ये 0 है, x 0 है, z 0 है, तो y है, x 1 है, तो y हमारे पास 2 आएगा और z हमारे पास 4 आएगा। तो ये आपने खुद करना होगा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया कि आपने इसको क्या करना होगा, इसको आपने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म बनाना होगा, इसका तरीका उसी तरह है जिस तरह की इससे पहले क्वेश्चन 2.4 में मैंने आपको बताया था, तो ये आपने करना होगा। इसके जो इसके क्वेश्चन का दूसरा, 2 नंबर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वो भी आपने करना होगा, ठीक है। अगर कोई मसला हो, जिन लोगों को कोई भी मसला हो, वो बेशक हमको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिनको जो इससे जो प्रीवियस क्लास थे वो याद हो, तो मेरे ख्याल से वो ये करेंगे इसको, मतलब बहुत ही आसान है, उसी तरह तरीका है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आप कोशिश करें, अगर नहीं कर सकते तो बेशक आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, क्राइम और रूल। ठीक है, तो क्राइम और रूल की क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे उसका तरीका भी आप सीखिएगा। देखिए ये हमारे पास वो क्वेश्चन है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन का तरीका बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म इससे बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह उससे इससे पहले क्वेश्चनों में हमने बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड सिमिलरली बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास बी। ठीक है, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, एक्स के ऑप्शन 1 -2 0 3 1 0 2 0 1, और ये हमारे पास -4 -5 -1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ टू फाइंड ए डिटरमिनेंट। ठीक है, सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 -2 0 3 1 0, ठीक है, 2 0 1। ठीक है, अच्छा इसको हम एक्सपेंड करते हैं। चलो मैं इसको कॉलम नंबर 3 से इसको एक्सपेंड करता हूँ, कॉलम नंबर 3 से इसलिए एक्सपेंड करता हूँ कि उसमें जीरो ज़्यादा है, तो जीरो ज़्यादा होने से मेरे लिए ये थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो कॉलम नंबर 3 से इसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले वो पेज नंबर 44 में जो भी आप बुक में देख लें, वो जो टेबल था उसमें कॉलम नंबर 3 की जो साइन है वो क्या है, प्लस माइनस और प्लस, सॉरी इस तरह प्लस माइनस और प्लस, ये उसकी साइन है। ठीक है, अच्छा चलिए इसको मैं कर लेता हूँ, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस 0। ठीक है, इस तरह फिर ये वाले लिखेंगे -0, चले जी -0। ठीक है, इस डिटरमिनेंट और फिर प्लस 1। तो देखिए मैं इसको नहीं लिखूंगा, उसकी वजह ये है कि बाद में 0 मल्टीप्लाई होने से हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा तो क्या है कि थर्ड रो, थर्ड कॉलम और थर्ड रो को नहीं लिखना होगा, थर्ड कॉलम और थर्ड रो 1 -2 3 और 1, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ पर देखिएगा अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू प्लस 1 और ये 1 + 6, 1 1 = 1 3 2 = 6, 1 - ये है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट में हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 आ गया, मतलब क्या है कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 आ गई। अब देखिए इसके बाद हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो गया, किस तरह देखिए आपने क्या करना होगा, देखिए रिप्लेस कर ले आप, रिप्लेस कॉलम 1 ऑफ ए बाय बी एंड डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। ठीक है, चलिए अब मैं इसका भी बता देता हूं कि मैंने ये क्या लिखा है यहां पे। ठीक है, अच्छा आप इस तरह कर ले कि आप कॉलम फर्स्ट को ये देख सकते हैं आप 1 3 2, ये कॉलम फर्स्ट है, आप ए पर ए मैट्रिक्स ए की बात कर रहा है, कह रहा है कि ए मैट्रिक्स में आप कॉलम 1 को रिप्लेस कर ले किस पर, बी पर। ठीक है, मतलब क्या है कि आप 1 3 और 2 की जगह क्या लिखे, -4 -5 और 1, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी जगह क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं किस तरह, मतलब ए इज इक्वल टू आप 1 3 और 2 की जगह क्या लिखे, -4 -5 -4 -5 और -1। ठीक है, और जो भी ये अपनी अपनी जगह पर लिखेंगे, जो कॉलम ये कॉलम और ये कॉलम अपनी जगह पर होगा। ठीक है, 0 1। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इस तरह कर लूँ इसको कि इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसको अगेन कॉलम किस पर,
यहाँ पर एक नहीं एक्स से एक्स क्योंकि एक्स फाइंड करते हैं ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको फिर दोबारा इसी कॉलम पर एक्सपेंड करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, दो जीरो है तो ये हमारे पास थोड़ा आसानी से मतलब शॉर्ट हो जाएगा ठीक है। एक्सपेंडो कॉलम फर्स्ट ठीक है, तो इस पर एक्सपेंड करते हैं। तो मैं ये जगह मिटा देता हूँ, चले अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको एक्सपेंड कर दे। तो ये मैं ये दोनों नहीं लिखता, इसकी वजह ये है कि आप हमारे पास ये दोबारा फिर जीरो आ जाता है। सो एक्स इज इक्वल और डिवाइड भी करो किस पर, मैंने यहाँ लिखा है कि ए डिटरमिनेंट पर डिवाइड कर, तो ए ए डिटरमिनेंट है ठीक है। अच्छा क्या है कि वन, ये दो मैं नहीं लिखता ठीक है, वन प्लस वन है चले ठीक है। अच्छा और इसको इसको नहीं लिखेंगे, मतलब माइनस फोर माइनस फाइव ठीक है जी, माइनस टू और वन ठीक है जी, और डिवाइड कर दो किस पर, डिटरमिनेंट से हमारे पास क्या वैल्यू आई थी सेवन ठीक है। अच्छा इस पर डिवाइड करो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फाइव टू जो टेन और डिवाइडेड बाय सेवन ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टू माइनस प्लस करेंगे माइनस फोर्टीन डिवाइड बाय सेवन, सेवन वन जो सेवन सेवन टू जो फोर्टीन इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई माइनस टू ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसी तरह देखिए, अब y को फाइंड करते हैं तो फाइंड मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अच्छा नाउ टू फाइंड y, अब जिस तरह कि मैंने x को फाइंड करने के लिए जिस तरह क्या है कि आप इस तरह करें कि एक इसी मैट्रिक्स को आप करें रिप्लेस करें जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है। नाउ टू फाइंड y, तो देखिए नाउ टू फाइंड y देखिए मैं यहाँ पर वही वो x वो पहला वाला मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में था यहाँ पर एजी पढ़ो। चले वो क्या था मैं इधर लिख लेता हूँ, वन माइनस टू जीरो चल रहा है, थ्री वन जीरो ठीक है, टू जीरो और वन ठीक है। वो हमारे पास जो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गिवन था वो ये है ठीक है, मैंने यहाँ से मिटा दिया। अच्छा अब देखिए, अब मैं वाई को फाइंड करता हूँ तो क्या आपने क्या लिखना होगा, देखिए रिप्लेस कर ले आप इस तरह कर ले रिप्लेस कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर टू ये वाले ये माइनस टू और वन और जीरो की बात कर रहा हूँ बाय इन इन ए है ना इन मैट्रिक्स ए ठीक है, बाय क्या बाय बी ठीक है। आप इसी मैट्रिक्स को आप बी वन, बी वन क्या था यहाँ से मैंने मिटा दिया शर्ट यार, एंड बी का जो मैट्रिक्स था वो मेरे पास इधर था, मैंने यहाँ से माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव और माइनस वन ये हमारे पास वो बी का मैट्रिक्स था ठीक है। अच्छा क्या एन डिवाइडेड बाय बाय बी एन डिवाइड डिवाइड बाय क्या डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। अब इस तरह कर लो कि आप इस कॉलम में इस कॉलम में इसमें आप ये वैल्यू डाल दो ये बी की वैल्यू और डिवाइड कर दो किस पर ए डिटरमिनेंट में, मतलब क्या है कि वाई को फाइंड करने के लिए आप वन थ्री टू अपनी जगह पर क्या लिखा कि आप इस कॉलम की जगह आप बी की वैल्यू डालो ठीक है। तो ठीक है डालते हैं माइनस फोर माइनस फाइव ठीक है जी और माइनस वन ठीक है और ये अपनी जगह पर जीरो जीरो और वन ठीक है। अच्छा अब इसी तरह मैं इसको उसी तरीके से एक्सपेंड करूंगा ठीक है, देखिए उसी तरह एक्सपेंड कर दो एक्सपेंड कॉलम नंबर थ्री ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जीरो इसलिए मैं दोनों को नहीं लिखता ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू देखिए ये कॉलम और ये नहीं लिखेंगे प्लस लगाएंगे वन और ये नहीं लिखेंगे मतलब वन माइनस फोर थ्री और माइनस फाइव लिखेंगे ठीक है और डिवाइड करेंगे ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या था ए डिटरमिनेंट हमारे पास सेवन है ठीक है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, देखिए अब सिंपल तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कर लें किस तरह देखें, तो इससे हमारे पास इधर मैं कर लेता हूँ चलो डायरेक्ट आपने नीचे करना होगा मैं इधर लिख लेता हूँ ठीक है। माइनस फाइव प्लस फोर थ्री जार ट्वेल्व ठीक है और डिवाइड बाई किस पर करेंगे सेवन पर डिवाइड करेंगे देखिए, तो इससे हमारे पास प्लस टू माइनस माइनस तो ये हमारे पास हो जाता है सेवन डिवाइडेड बाई सेवन ये और ये कट जाता है और ये हमारे पास हो गया वन, तो यहाँ पर हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई वन ठीक हो गया। अच्छा इधर में अच्छा ये ए डिटरमिनेंट की वैल्यू सेवन है ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इधर भी लिख लेता हूँ इसको मिटा लेता हूँ
जेड को फाइंड करने के, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने यहाँ से मिटा दी और यहाँ लिखी वो क्या है, 7 है, ठीक है। अच्छा अब इस तरह जेड को फाइंड करने के लिए, नाउ टू फाइंड जेड, ठीक है, नाउ टू फाइंड जेड, जेड को फाइंड करने के लिए वही तरीका है, आपने क्या करना होगा, ये हमेशा अब इसको इसको आपने रिप्लेस करना होगा, इस कॉलम नंबर 3 को रिप्लेस करना होगा किससे, बी से। मतलब क्या है कि इस कॉलम की जगह आपने ये वैल्यू लिखनी होगी कॉलम, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ जगह की वजह से, अच्छा जगह की वजह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलिए ठीक, जेड इज इक्वल टू 132 -210, ठीक है। लेकिन इस कॉलम की जगह हम वो वैल्यू लिखेंगे -4, -5 और -1, ठीक है, लिख दिया। अब ये हमारी मर्जी जिससे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो जीरो है और ना इस तरह का कुछ और है कि हमारे लिए आसानी हो जाए, लेकिन मतलब इसको आप किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए जी अच्छा तो मैंने नहीं कहा कि एक्सपेंड कर दो आप किस चीज़ पर, ये इसको आप एक्सपेंड कर दो रो 1 पर, ठीक है। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 पर, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू पहले वाला +1, ठीक है, डिटरमिनेंट के निशान, फिर हमारे पास माइनस, लेकिन एक ये माइनस है, ये हमारे पास वो साइन है ना, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, पहले के साथ प्लस, फिर इसके साथ माइनस, फिर इसके साथ प्लस, ठीक है। तो अब ये माइनस एक ये है और एक ये है, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छा। और ये माइनस और प्लस इंटू माइनस, ये -4 ही रहेगा। चलिए जी अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या 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 है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नाली को, ये और ये नाली को, मतलब क्या है कि 10 -5 -1, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को नाली को, मतलब 3 2 और -5 और -1, अच्छा फर्स्ट और थर्ड को नाली को, मतलब 3 2 1 0, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए इसका आप क्या करें, z इज इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करें +1, ठीक है, 1 1 = 1 -1, ठीक है, एक माइनस ये है और एक, तो ये +0 हो जाएगा, ठीक है, +2 लिख ले, ठीक है, 3 1 = 3, -3 और माइनस एक ये 5 के साथ है, और डिटरमिनेंट मैंने कहा था कि हम माइनस लगाएंगे, माइनस टू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 2 = 10, ठीक है, -4 लिख ले, 3 0 = 0 और -2 1 = 2, ठीक हो गया। अब देखिए इसके साथ हमारे, अब देखिए इससे हमारे पास आता है, आप इस तरह कर ले, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो -1 इससे आता है +14, ठीक है, और इससे +8 आता है, 4 2 = 8, ठीक है, और माइनस टू माइनस ये प्लस, तो 8 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने क्या करना होगा, इसको डिटरमिनेंट पर डिवाइड करना होगा, सॉरी डिटरमिनेंट हमारे पास क्या था, 7 था, ठीक है, तो इसको इस आल को आपने 7 पर डिवाइड करना होगा, ठीक है, यहाँ पर 7 है, ठीक है, इसके नीचे 7 है, अच्छा इसके नीचे भी 7 है, ठीक है, इससे हमारे पास आता है 21 और डिवाइड कर दो 7 पर, सो 7 और 21 की कटिंग 7 और 7 और 7 3, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो हमारे पास तीनों वैल्यू यहाँ पर निकल आई, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, y की भी हो गई और z की भी हो गई। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपने खुद करना होगा। अच्छा जी तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका तरीका भी मैं आपको सिर्फ हैंड्स दूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये आपने खुद करना होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो ये इसी तरह ही उसी तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसका तरीका क्या है, देखिए आप इस तरह करें ना कि सबसे पहले आप इस तरह करें, इन कोएफिशिएंट आपने इन सब का कोएफिशिएंट लिखना होगा, मतलब क्या है कि चले मैं ये एक कर लेता हूँ, ठीक है, 1 -1 -1, 1 2 -1, ठीक है जी, अच्छा 2 1 और +3, ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट, इसकी कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा फिर आपने इसको एक्सपेंड करना होगा किससे, आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड कर लें, अगर आप इसको एक्सपेंड करें और वो जीरो के बराबर नहीं आया, मतलब वो कोई और मतलब नंबर आ गया, अगर जीरो नहीं आया, मतलब एक ही वैल्यू आपके साथ जीरो नहीं आई, तो आपने फिर क्या कहना होगा कि द सोल्यूशन सेट इज नॉट एग्जिस्ट, बस यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना होगा, इसको फिर आगे सॉल्व नहीं होता, ये बस आपने यहाँ पर छोड़ना होगा। लेकिन बात या एक बार इसकी जो दूसरा पार्ट है उसमें कहा गया है कि इसी तरह आपने लिखना होगा और एक्सपेंड करना होगा, उसमें एक ही वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी, जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, ये वन क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट, तो वो
उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, वो ए इज इक्वल टू जीरो आ जाती है। लेकिन जब जीरो आ जाती है तो आपने ये कहना होगा कि द सॉल्यूशन सेट इज एग्जिस्ट। फिर आपने क्या करना होगा, चलो फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर लें कि आप इसको सॉल्व करते गए, ठीक है, इसको भी सॉल्व इस तरह नीचे आएगी, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जीरो आ जाएगी, आ गई दूसरे पार्ट में, इसमें नहीं आती, दूसरे में आता है, ठीक है। अच्छा फिर आपने क्या करना होगा, द सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट, फिर उस केस में आपने आपने एक काम करना होगा कि ए मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को लेना होगा, माइनस वन चले जी वन टू, माइनस वन चले टू वन और थ्री, ठीक है। लेकिन इससे पहले जिस तरह मैंने वो क्वेश्चन में किया था, आपने इसके साथ डॉट डॉट में क्या लिखना होगा, यही लिखने होंगे जीरो जीरो और जीरो, ठीक है, आपने इस तरह करना होगा। फिर आपने क्या करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में, फिर आपने क्या करना होगा, आपने अब इसमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी, आपने जो डायगनल है इसके नीचे क्या करना होगा, ये तीनों नंबर आपने जीरो करने होंगे। देखिए जब ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो ये एक्स जीरो वाई जीरो, ये हम नहीं लिखेंगे, जेड हमारे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो, जब थ्री पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास थ्री जीरो आ जाएगा, जेड की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था वो ये भी उसी तरह की क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपने खुद करना होगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर फाइव में है कि आप क्या करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, अच्छा, ऑफ द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस सॉल्व द सिस्टम। अच्छा जी यहाँ पे क्या करना होगा, आपने ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव है आप बुक में देख लें जरा, आपने क्या करना होगा, इसी तरह तरीका है उसका भी, आपने क्वेश्चन को लिखना होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या है कि ए डिटरमिनेंट उसकी क्या है, जीरो है, इसका मतलब यह है कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। फिर आपने उसको आप किसी भी रो या उससे एक्सपेंड कर ले, रो या कॉलम से एक्सपेंड कर ले, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर फाइव को देख ले, अगर कोई नहीं कर सकता तो बेशक वो हमको एसएमएस कमेंट्स या फेसबुक पे हमको बता सकता है। तो इसी तरह आपका ये जो चैप्टर नंबर टू है वो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद इंशाल्लाह आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे।